हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बेसन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। चने से बना बेसन का इस्तेमाल हम पकोड़े बनाने के लिए करते हैं, लेकिन बेसन को हम अपने चेहरे और त्वचा को साफ, सुंदर और चमकदार बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बेसन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसे किसी भी तरह से चेहरे और स्किन पर लगा सकते हैं। मतलब ये कि आप बेसन को ऑयली, सेंसिटिव और ड्राई किसी भी प्रकार की स्किन पर बिना किसी दिक्कत के लगा सकते हैं। यह स्किन को गोरा और साफ बनाता है और स्किन से संबंधित परेशानियों को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से मुरझाई हुई त्वचा खिल जाती है। यह कील मुहासों को खत्म करके काली होती स्किन के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं कि चेहरे या स्किन पर बेसन लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, बेसन हमारी स्किन को फ्रेश बनाता है। बेसन को गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं और इसे सूखने के बाद पानी से धो लें। इससे स्किन में एक्स्ट्रा मॉइस्चर कम होने लगता है और चेहरा हमेशा के लिए फ्रेश दिखाई देता है। दोस्तों, बेसन का पेस्ट हमारी डेड स्किन को हटाता है। चेहरे पर बेसन पैक लगाने के बाद हल्के हाथों से रगड़कर इसे छुड़ाएं। इससे हमारे चेहरे की डेड स्किन निकल जाती है। बेसन से हम ब्लैक हेड्स खत्म कर सकते हैं। कई लोगों के नाक पर ब्लैक हेड्स होते हैं, उन्हें बेसन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने का सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा एवं उपाय माना गया है। दोस्तों, बेसन हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है। बेसन को स्किन पर लगाने से वह मुलायम और स्मूथ बनती है। दूसरी ओर, अगर आप साबुन लगाते हैं तो चेहरा ड्राई होकर ख़राब दिखने लगता है, जबकि बेसन को चेहरे पर लगाने से ऐसा नहीं होता। बेसन हमारे चेहरे में ब्लीचिंग का काम भी करता है। बेसन में ब्लीचिंग के गुण पाए जाते हैं। यह स्किन के लिए नेचुरल ब्लीच का काम करता है। बेसन हमारे चेहरे के ऑयल निकालने में भी सहायक होता है। चेहरे पर साबुन लगाने से ऑयल तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इससे चेहरे की नमी भी खो जाती है। जबकि चेहरे पर बेसन लगाने से तो तेल गायब होता है, लेकिन चेहरे की नमी बरकरार रहती है। तो दोस्तों, ये बेसन के कुछ फ़ायदे थे कि किस तरह बेसन हमारी स्किन और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप भी ये छोटे छोटे नुस्खे अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेसन के साथ में। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।